ऐसा लगता है कि केजरीवाल अजय हो गए हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी दल की तुलना में वह भारतीय राजनीति की नब्ज को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा और एमसीडी में भारी बहुमत से जीतने के बाद अब केजरीवाल के नाम का डंका दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बजने लगा है। दिल्ली में शिक्षा के केजरीवाल मॉडल पर लोगों ने एक बार फिर अपना भरोसा जताया है। आपकी टीचर्स विंग ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने पहले शैक्षणिक चुनावों में भारी मतों से जीत हासिल कर अपना खाता खोला। AADTA ने कार्यकारी परिषद के चुनाव के लिए हिंदू कॉलेज में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर सीमा दास को मैदान में उतारा था, जिन्होंने 3100 से अधिक वोट पाकर चुनाव जीता। डॉक्टर सीमा दास ने इससे पहले भी अपना पिछला चुनाव जीता था, जिसके बाद AADTA के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा ने इस जीत को आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समर्पित किया और कहा कि हम विश्वविद्यालय के शिक्षकों को हमारे उम्मीदवारों को पूरे दिल से वोट देने के लिए धन्यवाद देते हैं। कार्यकारी परिषद में डॉक्टर सीमा दास की जीत एडहॉक को समाहित करने के मुद्दे की दिशा में काम करने के हमारे संकल्प को मजबूत करेगी और साथ ही यूनिवर्सिटी के घोर प्राइवेटाइजेशन मॉडल का विरोध करेगी। हमारे अकादमिक परिषद के उम्मीदवार डॉक्टर रामकिशोर यादव, डॉक्टर आलोक रंजन पांडे, डॉक्टर सुनील कुमार, ममता चौधरी और डॉक्टर चंद्र मोहन नेगी भी आसानी से चुनाव जीतेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चुनाव हर 2 साल में होते हैं और इस बार इसमें 70 कॉलेजों में 12,000 से अधिक शिक्षकों ने किस सदस्य कार्यकारी परिषद के लिए 2 शिक्षक प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए मतदान किया था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है।